Sara, ven conmigo. ¡Tapo! आपके बारे में तो पता नहीं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे डरावने किस्म के स्टैच्यू और डॉल्स देखी हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये जीवित हैं और हमें ही घूर रहे हैं। स्टैच्यू हमेशा ही किसी महान व्यक्ति या ईश्वर को दर्शाते हैं, जो पहले ही हमें उनके अलग और महान होने का एहसास दिलाता है। और अगर ऐसे में वो किसी प्रकार की मूवमेंट करते हुए देख लिए जाए तो जरा सोचिए देखने वालों की क्या हालत होगी। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही रहस्यमय वीडियोस के बारे में, जिनमें प्रतिमाओं को कैमरे पर मूवमेंट करते हुए रिकॉर्ड कर लिया गया। नए व्यूअर्स जल्दी से सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक कर दो। इजिप्शियन स्टैच्यू। 2013 में इंग्लैंड के मैनचेस्टर म्यूजियम में स्थित एक प्राचीन मिस्र की मूर्ति नेब सेनू ने खूब सुर्खियां बटोरी, क्योंकि वो अपने आप ही मूवमेंट करते हुए दिखाई दी। नेब सेनू की ये मूर्ति 1800 BC से भी पुरानी मानी जाती है, और ये मूर्ति जिस म्यूजियम में थी वहां के क्यूरेटर कैम्पबेल प्राइस को लगातार चकमा दे रही थी। क्यूरेटर कैम्पबेल के मुताबिक ये मूर्ति अपने डिस्प्ले में पड़े पड़े हर रोज मूवमेंट कर रही थी। उनके मुताबिक वो एकमात्र शख्स थे जिनके पास इस डिस्प्ले की चाबी थी, इसलिए किसी अन्य शख्स द्वारा ऐसा किया जाना नामुमकिन था। लेकिन फिर भी क्यूरेटर और उनकी टीम ने यह देखने के लिए वीडियो बनाने का फैसला किया कि कहीं कोई इस मूर्ति के साथ छेड़छाड़ करके उन लोगों से मजाक तो नहीं कर रहा। जब उन्होंने इस वीडियो को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनकी टीम ने पाया कि ये मूर्ति अपने आप मूवमेंट कर रही है, जो उन लोगों के लिए एक बड़ा अजीब और डरा देने वाला वाकया था। मूर्ति की जांच की गई लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन ये बात जरूर नोटिस की गई कि मूर्ति केवल दिन में मूवमेंट करती है, रात में शांत हो जाती है। खैर, साइंटिस्ट द्वारा काफी गहरी रिसर्च के बाद पता चला कि ये मूर्ति कोई जादुई शक्ति का कारण नहीं, बल्कि म्यूजियम में आने वाले विजिटर्स के पैरों के चलने से होने वाले वाइब्रेशन की वजह से हिल रही थी, इसलिए केवल दिन में म्यूजियम में चहल पहल के कारण ये मूव करती थी। गणेशा एंड द मिल्क। भगवान गणेश हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा पूजा किए जाने वाले भगवानों में से एक है, जो अपने हाथी के मस्तक के लिए जाने जाते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी भगवान की पूजा से पहले सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा ही की जाती है। 1995 में 21 सितंबर को ये बात फैली कि गणेश प्रतिमाएं दूध पी रही है। देखते ही देखते मंदिरों में भीड़ लग गई, एक के बाद एक लोग दूध पिलाते रहे और गणेश प्रतिमाएं वैसे ही दूध को पीती रही। इसके बाद समय समय पर दूसरे देवी देवताओं के दूध पीने की खबर भी आती रही। इसी दौरान ये खबर भी आई कि घर में भी गणेश प्रतिमाएं दूध पी रही है। लोग चम्मच से घर में दूध पिलाने लगे और प्रतिमाएं दूध पीने लगी। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष के रूप में जिस थ्योरी को जन्म दिया वो मास हाइप्नोसिस अथवा साइकोमैकेनिक रिएक्शन नाम दिया गया। उनके अनुसार वो चमत्कार विज्ञान का है, जिसे कैपिलरी रिएक्शन नाम दिया गया, यानी सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव के कारण ये चीजें होती है। मूर्तियों में तमाम पोर्स या छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसमें लिक्विड अंदर की ओर सक हो जाता है, यानी कि सोख लेता है। लेकिन ऐसा भी बताया गया कि ये चमत्कार केवल 24 घंटे ही चला, इसके बाद नहीं हुआ। ये कैपिलरी एक्शन का कमाल था तो केवल एक ही दिन क्यों देखने को मिला, इस पर आपका क्या सोचना है जरूर बताइएगा। वर्जिन मैरी एंड द ब्लड। दुनिया भर में ऐसे भी वाकये हुए हैं जब स्टैच्यू को आंसू बहाते देखा या रिकॉर्ड किया गया। ऐसा ही कुछ अर्जेंटीना में एक फैमिली के साथ एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 38 बार हो चुका है। लेकिन खास बात यह है कि ये खून के आंसू थे। वर्जिन मैरी की ये मूर्ति फ्रीएस परिवार की है, जिन्होंने जब इस मूर्ति में होने वाले इस कारनामे के बारे में लोगों को बताया तो इस मूर्ति को देखने के लिए उनके दरवाजे तक भारी भीड़ इकट्ठा होने लगी। इस मूर्ति की मालकिन रोसाना मेंडोजा है और वो ये बताती है कि मूर्ति उनके गर्भपात के बाद 10 साल पहले घर में लाई गई थी। वीडियो में मूर्ति के चेहरे पर लाल तरल साफ देखा जा सकता है, जो ऐसा लगता है मानो रोने से आंखों से आ रहा हो। अप्रैल 2017 में इस मूर्ति ने पहली बार रोना शुरू किया। फैमिली द्वारा जांच की इजाजत न दिए जाने के कारण ये स्पष्ट नहीं है कि इस लाल तरल का कारण क्या है। वेबसाइट चर्च पॉप के अनुमान से ये प्रतिमा को ऐसा करने के लिए मॉडिफाई किया गया हो या चेहरे पर रक्त रगड़ा गया हो, ऐसा हो सकता है।
इसके अलावा न्यू मैक्सिको के हॉब्स में ग्वाडालूप कैथोलिक चर्च की 7 फुट ऊंची ब्रॉन्ज की वर्जिन मैरी की भी मूर्ति रोती हुई लोगों ने नोटिस की। जब लोगों ने उसे हाथों में लिया तो उसमें से गुलाब की महक भी आ रही थी। वहां पर मौजूद काफी लोगों ने अपने मोबाइल पर रोने वाले स्टैचू की फोटो ली और घटना वायरल हो गई। शुरू में किसी को नहीं पता था कि खोखली प्रतिमा से निकलने वाला तरल क्या है। तब लास क्रूज के रोमन कैथोलिक सूबा वाले एक इन्वेस्टिगेटर ने इसकी जांच की और बताया वर्जिन मैरी के आंसू में वही रसायन है जो ऑलिव यानी कि जैतून के तेल में पाया जाता है। चर्च के लीडर्स ने बताया कि उन्हें नहीं पता कि ये फिनोमेना कैसे और क्यों हो रहा है, स्वाभाविक रूप से हो रहा है या इसके पीछे कोई है। पूर्व बिशप ऑस्कर कैंटू ने बताया कि जांचकर्ताओं ने खोखली प्रतिमाओं के इंटीरियर की भी जांच की लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इसके अलावा मूर्ति के निर्माता से भी संपर्क किया गया, हाथ केवल निराशा ही लगी। आपको क्या लगता है, ये कोई केमिकल रिएक्शन है या चमत्कार? कमेंट में जरूर बताना। काली माँ। देवी देवताओं के दर्शन को भक्त तरस जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम यकीन ही नहीं कर पाते कि देवी देवता की कृपा सिर्फ हमारे साथ है। YouTube पर मौजूद इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ऐसा ही सोचेंगे। मंदिर में बच्चों के साथ किसी के हाथ में घूम रहा कैमरा जब माँ काली के सामने पहुंचा तो कैमरे के साथ साथ माँ काली की आंख भी घूमती महसूस हुई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है आप विचार कीजिए, लेकिन मेरी राय पूछी जाए तो ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। आंखों को इस तरह से बनाया गया है ताकि एक चलती हुई आंख जैसा ऑप्टिकल भ्रम पैदा कर सके। वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी पेंटिंग मौजूद है जो ठीक ऐसा ही भ्रम देती है जैसे कि वो आपको ही देख रही हो। कुछ ऐसा ही चेन्नई के श्री नित्य सुरभि संथाना मजाई साईं बाबा मंदिर में देखने को मिला, जब सीसीटीवी फुटेज में रात के समय साईं बाबा के गले में डाला हार अपने आप उतरता हुआ दिखाई दिया। इस पर आप अपनी राय जरूर दे देना कमेंट बॉक्स में। ब्लिंकिंग बुद्धा। बात 2011 की है जब मलेशिया के क्वालालंपुर के पूजियान सर्विस सेंटर में कई बुद्ध प्रतिमाओं को होठों को हिलाते हुए, आंखों को झपकाते हुए, छाती और हाथों को हिलाते हुए देखा गया। करीब 1 घंटे तक ये अजीबोगरीब घटना घटी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो सांस ले रहे हो। दरअसल बौद्ध केंद्र में केंद्र के मठाधीश टोंग चे से मिलने के लिए 100 से अधिक सदस्य लाइन में खड़े थे। जब उन्होंने देखा कि कमरे में बुद्ध की मूर्तियां हरकत कर रही है, इस घटना को फोन के कैमरे में कैद कर लिया गया। वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं होने के कारण ये सही से दिखाई नहीं पड़ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, पर कई लोगों को मानना है कि ये सिर्फ वहां स्थित लाइट की वजह से हो रहा था जो वहां पर काफी तेज चमक रही थी, और कई लोगों को ये चमत्कारिक घटना लगी थी। जो भी था, ये घटना बहुत ही फेमस हुई थी। जीसस। मैक्सिको में जीसस क्राइस्ट के एक प्रतिमा का वीडियो चमत्कारिक ढंग से आंख खोलने और बंद करने के कारण 2016 में वायरल हुआ। इस वीडियो ने अगस्त 2016 की शुरुआत में अंतरराष्ट्रीय मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। ब्रिटेन के अखबार द सन ने 10 अगस्त को इसकी जानकारी दी। YouTube चैनल अ डायमेंशनल, जहां सबसे पहले इस वीडियो को अपलोड किया गया था, के इन्वेस्टिगेटर इवान स्कैमिला ने दावा किया कि प्रीस्ट सहित 20 से अधिक इन्वेस्टिगेटर्स द्वारा वीडियो की जांच की गई कई हफ्तों तक, लेकिन उन्हें फुटेज के फेक होने का कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन ऑस्ट्रेलियन फिनोमेना यूट्यूब चैनल ने इस वीडियो को साफ तौर पर फेक करार दिया और बताया कैसे वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। वीडियो सॉफ्टवेयर की मदद से उन्होंने वो साबित कर दिया जिसका पता लगाने में प्रीस्ट सहित 20 से अधिक इन्वेस्टिगेटर्स असफल रहे। कुछ ऐसा ही क्राइस्ट द रिडीमर प्रतिमा के साथ भी हुआ, जो रियो डी जेनेरियो के शिखर पर ईसा मसीह की पुर्तगाली विशाल प्रतिमा स्थित है। वैसे तो इंटरनेट पर ऐसी बहुत सी फेक इमेजेस वीडियो उपलब्ध है जिनमें कभी उनके हाथों को फोटोशॉप करके मूवमेंट करते दिखा दिया जाता है और कभी सर को, लेकिन हद तो तब हो गई जब किसी ने एडिटिंग करके इनकी आंखों को मूवमेंट करते ही दिखा दिया, जिसे कोई भी आसानी से देखकर बता सकता है कि ये फेक है। ब्लिंकिंग स्नो व्हाइट। खैर, खूबसूरत स्नो व्हाइट की कहानी तो हम सभी बचपन में देखते और सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे बचपन का खूबसूरत कैरेक्टर डरावना भी हो सकता है। ये क्लिप देखकर पता चल जाएगा। 2009 में मैक्सिको के एक गुमनाम बड़े पार्क में कुछ बच्चों द्वारा स्नो व्हाइट के स्टैचू को आंख झपकाते हुए कैमरे में कैद कर लिया गया। बताया जाता है कि पार्क किसी ग्रेवयार्ड को हटाकर बनाया गया है और लोगों के अनुसार ये पार्क हॉन्टेड है और ऐसी घटनाएं यहाँ होती रहती है। ये मामला एक टॉप पैरानॉर्मल शो EXX में प्रसारित भी किया गया जिसमें लोगों ने अपनी आपबीती भी बताई। इस स्टैचू में कोई मैकेनिकल सिस्टम नहीं है। वैसे वीडियो फुटेज साफ ना होने की वजह से आज तक इन्वेस्टिगेटर इसकी सच्चाई नहीं जान पाए हैं,
लेकिन उनका कहना है कि अगर ये एडिटेड है तो इतने साल पहले ऐसी एडिटिंग सिर्फ बहुत बड़े स्टूडियो में ही हो सकती है। तो दोस्तों, हमारे इन मिस्टीरियस स्टैचूज की लिस्ट के बारे में क्या आपके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है जिससे आप हमें बता सकते हैं कि वो स्टैचू क्यों अलाइव दिखते हैं और ऐसे मूवमेंट करते हैं? और अगर है तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।